हे फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। आज की पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही बहुत ही बहुत ही खास होने वाली है। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही हूँ आईआईटी खड़गपुर से। और जो है आने वाले टाइम पे आज के दिन जो हम वीडियो बनाने वाले हैं उसमें बात करेंगे जीआईएस कॉलेज के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो है वेस्ट बंगाल में। और ये कॉलेज वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग कॉलेज है। और जीआईएस की बहुत सारे कॉलेजेस हैं। हमने डेंटल कॉलेज की बात की थी जो नया शुरुआत हुआ है, और जीआईएस कॉलेज के अंडर आ चुका है एक मेडिकल कॉलेज जीआईएस एमएसआर, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है दोस्तों। अगर आप इसके बारे में अगर हम आज की वीडियो में बात करेंगे, विजन काफी अच्छे हैं, मेडिकल कॉलेज में वन ऑफ द बेस्ट है, अफोर्डेबल है, सबसे अच्छी बात है इसकी प्राइम लोकेशन, इट इज इन सांतरागाछी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो अगर ये कॉलेज जो है ऑलरेडी वर्किंग में हो और कुछ सालों में आपको इतने नंबर ऑफ पेशेंट देखने को मिलेंगे तो उतना प्रैक्टिस लेवल बढ़ेगा, और मेरे ख्याल से कुछ दिनों के बाद वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस बन जाएंगे वेस्ट बंगाल में। बिकॉज देखिए, एक मेडिकल कॉलेज की सबसे जरूरी चीज होती है वो है कि कितना प्रैक्टिस हमें देखने को मिलता है और प्राइम लोकेशन पे है कि नहीं। और ये एसी लोकेशन पे है। अगर हम टॉप 3 स्टेशन की बात करें वेस्ट बंगाल में, वन ऑफ द थिंग इज सांतरागाछी। एंड सांतरागाछी में ये कॉलेज ऐसे लोकेशन पे लोकेटेड है कि कुछ दिनों के बाद इतना इतना जो है यहाँ पर डिमांड होगा कि सीट्स मिलना मुश्किल हो जाएंगे, कट ऑफ विल बी हाई। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीआईएस कॉलेज के बारे में। तो लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर दिस कॉलेज एंड वी विल टॉक इन डेप्थ अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉलेज। और आपको और इन डेप्थ एनालिसिस देखने को मिलता रहेगा वीडियो के कंटिन्यू होते होते तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें नीट यूजी, मतलब आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए एमबीबीएस कोर्स के लिए एडमिशन देखने को मिलेंगे। कॉलेज का क्या नाम है? कॉलेज का नाम है जीआईएस स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। ये आता है जीआईएस यूनिवर्सिटी के अंडर पे। इस कॉलेज का फुल नेम है जीआईएस स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जीआईएस एमएसआर। बात करें इसको हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पर हम इसके आगे बढ़े और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जो प्रीवियसली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे थे, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जो है दोस्तों आने वाले टाइम पे डेवलप होगा। ये इसका डिजाइन है और ये वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ आता है, ग्रीनरी कैंपस के संग आता है। बात करें इस कॉलेज की जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 ईयर्स का एक्सेलेंस है और बहुत ज्यादा 50+ डॉक्टर्स रिक्रूट हो चुके हैं। 500 से ज्यादा बेड्स ऑलरेडी एड ऑन हो चुके हैं कैंपस में। एमबीबीएस कोर्स के आने वाले टाइम पे और ग्रोथ मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग अंडर आएंगे। कॉलेज की बात करें तो ये एस्टैब्लिश हुई है 2023 में। ये आउटकम है बंगाल बिजनेस समिट का और जो है ये एमओयू साइन करके आती है मेडिकल वेस्ट बंगाल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा, जहां पर आपको हावड़ा सांतरागाछी में देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइप ऑफ फैसिलिटीज हैं, काफी अच्छे जो है स्टैंडर्ड्स के सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं और साथ में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी है। बात करें कौन से डिपार्टमेंट्स है, फॉरेंसिक मेडिकल, मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, और इसके अलावा जो है आपके पास कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ENT, रेडिएशन, रेडियो डायग्नोसिस और जो है ऑब्स्टेट्रिक्स, इसके सारे के सारे डिपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं हमें। बात करें इस कॉलेज की जो है और आने वाले टाइम पे, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और आपको फीस का इशू आता है तो आप 10 लाख रुपीज तक जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे ले सकते हैं। तो जो भी बच्चे जिस तरीके की इतना फीस होगा उसमें हम बात करेंगे। तो अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल का सपोर्ट भी मिल जाता है वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद हम बात करें जो इस कॉलेज में टोटल कितने सीट्स हैं, तो आप डॉक्टर का फेस के साथ देख सकते हैं कि इसमें टोटल 150 सीट्स हमें देखने को मिलते हैं। 150 सीट्स हैं, पर उसमें कैसे केटरिंग की गई है, कितने सीट्स किसको मिलेंगे वो हम आगे जाके बात करेंगे। और उसके पहले हम देखना चाहेंगे क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहती है कि 50% 10th 12th में होना चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में अगर आप SC ST या फिर OBC में है तो 45% में भी आपका काम बन जाएगा। कैंडिडेट्स को नीट एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी है और 50% मिनिमम आपका होना चाहिए, तभी आप जो है एलिजिबल होते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बट अगर आप SC ST से हैं तो आपके पास 40% भी होगा तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। बात करें इस कैंडिडेट्स की, तो 17 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, और इसके अलावा आप MBBS कोर्स में जा सकते हैं। बात करें इस कॉलेज की जो है आगे बढ़कर कि हमें किसे जो है इस पर्टिकुलर कॉलेज में कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है। हर कॉलेज में आपको 5 साल का कोर्स देखने को मिलता है MBBS का, इस कॉलेज प्रॉमिस करती है 5.5 ईयर्स का कोर्स, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप, आपको 1 साल इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं इसकी फेस क्या है। सबसे पहले आपको एटोनॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा 13 मंथ्स के लिए। इसके बाद जो है फेज टू में आपको पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और जो है फार्मोकोलॉजी जो है आपको 13 मंथ्स के लिए पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं आपको फॉर्मेड एंड टॉक्सोलॉजी
एंड कम्युनिटी मेडिसिन जो है वो 10.5 मंथ्स के लिए पढ़ाया जाएगा। देन जनरल सर्जरी एंड सारे दूसरे ENT एंड ऑब्स्ट्रोलॉजी ये सब पढ़ाए जाएंगे 17.5 मंथ्स के लिए। और फिर आपको इंटर्नशिप मिलेगी CRMI 2021 रेगुलेशंस के अंडर 12 मंथ्स की। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे। और एग्जाम्स में आपको यहाँ टीचिंग होगी, एग्जाम्स होंगे, फिर रिजल्ट्स के ऊपर आप प्रमोट होते हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर MBBS की जो एग्जाम होती है वो होती है प्री क्लिनिक्स, फिर होता है पैरा क्लिनिक्स, फिर होता है क्लिनिक्स, फिर आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं तीनों टीज। तो मैं आपको कहूंगा कि आप पॉज करके पूरे अच्छे से पढ़ें अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो साथ में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्री रिटन टोटल में अराउंड 200 मार्क्स मिलती है और प्रैक्टिकल ओरल क्लिनिक्स में अराउंड 100 मार्क्स मिलती है हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। तो ये सब्जेक्ट डिविजन करके इन्होंने दे रखा है। बात करें क्या लर्निंग मेथड्स ये कॉलेज यूज करती है, सबसे पहले तो है आपको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग्स करा देंगे। हर एक चीज में आपको आप जो है एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा सीखने को मिलेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि एटोनॉमी आपको पता होगा कि पूरे के पूरे बॉडी से सीखा जाता है, तो बहुत ही अलग बात है। इसके बाद फ्लिप्ड होती है लर्निंग्स, आपको फ्लिप करके लर्निंग सिखाई जाएंगी। और फिर लास्ट में आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मिलेगा जहाँ पर आप कुछ प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट्स में करेंगे जो दैट आपको और अच्छे से एनालिसिस हो। चलिए बात करते हैं अब इस कॉलेज में कितने सीट्स हैं, कितने सीट्स किसको मिलते हैं। सबसे पहले बात करें इस कॉलेज जो है वो आपको हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। और ये कॉलेज का जो अभी प्रिंसिपल है या फिर हम डीन या डायरेक्टर कह सकते हैं वो है डॉक्टर अनूप कुमार दास। यहाँ पर जो है आप बढ़ नोडल ऑफिसर जो काउंसलिंग्स करवा रहे हैं वो है कंचन सरकार अरोरा। और यहाँ पर आपके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जिनमें आप कनेक्ट करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कनेक्ट करके एडमिशन्स के लिए बात कर सकते हैं। और वो आप देखिए अगर आप स्टेट कोटा में 50 सीट्स होते हैं अगर आप उसमें जा रहे हैं तो आप काउंसलिंग करें, वहाँ पर आप हमारी मदद उतनी खास आपको मिलेगी नहीं। बट इसके साथ साथ अगर आप मैनेजमेंट कोटा में जो 77 सीट्स होती हैं उनमें अगर आप एडमिशन करवाएंगे तो जो आपका पैकेज है वो हम लोग रिड्यूस कर देंगे। और इसके साथ साथ जो है अगर आप पूरे के पूरे अमाउंट को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं सो दैट कि आप टेन्योर पे दे सकें तो उसके लिए हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट्स आपके लिए ऑन करवा सकते हैं। बात करें यहाँ पर जो है NRI कोटा में भी 23 सीट्स होती हैं जिनकी भी फीस आपको मैनेजमेंट कोटा के अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल जाएगी। और डोनर सीट्स या फिर आपके सेंट्रल पूल कोटा के द्वारा यहाँ पर 0 सीट्स रखी गई हैं। यहाँ पर हम बात करें तो स्टेट कोटा में सिर्फ आपको 50 सीट देखने को मिलता है। अगर आप स्टेट कोटा से एडमिशन ले रहे हैं तो टोटल फी स्ट्रक्चर आपका पैकेज पड़ता है 26,56,000। और अगर आप लोग जो है दोस्तों यहाँ पर आपको एक देख सकते हैं या जो आपको देखना है एनी बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन डिटेल, आपको बैंक गारंटी देनी पड़ती है, वो भी है 19,18,000 का। तो अगर आप बैंक गारंटी नहीं देना चाहते, अगर आप मैनेजमेंट कोटा में बैंक गारंटी नहीं देना चाहते तो आप लोग जो है दोस्तों हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग बैंक गारंटी आपके लिए ऑफ करवा सकते हैं। ध्यान रखेंगे वो सिर्फ हम लोग करवा सकते हैं, कोई और आपको नहीं करवा पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कोर्स फीस अगर आप मैनेजमेंट कोटा से जाते हैं तो वो है 99,055,99,55,000 जहाँ पर 10 लैक्स आपको देनी पड़ेगी हर एक पर्टिकुलर सेमेस्टर्स में। सो यहाँ पर अगर हम देख के देखें तो आपको टोटल पेड ड्यूरिंग एडमिशन है दैट इज 22,60,000। और यहाँ पर देख सकते हैं बैंक चेक के द्वारा जा सकते हैं, बैंक गारंटी आपको देनी पड़ेगी 76,58,000 की। अगर आप हमारे द्वारा एडमिशन लेते हैं तो ये 99,55,000 में भी हम लोग पैकेज डिस्काउंट करके अराउंड 96 लाख के आसपास ले जाते हैं कभी कभी अगर पॉसिबल हुआ तो। और बैंक गारंटी आपके लिए कंप्लीटली ऑफ करवा देंगे। ओके टोटल की फीस अगर आप NRI कोटा के द्वारा देखेंगे तो USD में अराउंड 1,60,000 के आसपास है, विच इज इवन मोर देन 1 करोड़। ठीक है अराउंड 1,30,00,000 के आसपास पहुंच रहा है, तो दैट चीज मेरे ख्याल से वो भी आपके लिए कम हो सकता है अगर आप NRI कोटा से आ रहे हैं तो। चलिए अब लोग बात करते हैं अबाउट दी हॉस्पिटल। तो ये कॉलेज जो है अभी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ MOU साइन कर चुका है जहाँ पर आपको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के द्वारा काफी ज्यादा जो है हेल्प देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कब से वर्क कर रहा है, 2 दिसंबर 1, 2022 से वर्क कर रहा है। और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस में है जिसमें काफी पेशेंट्स आते हैं, सो ओवरऑल में आपको सीखने का काफी मौका मिलेगा। तो ये थी आज की पर्टिकुलर वीडियो दोस्तों जहाँ पर हमने पूरी की पूरी इन डेप्थ बात की कि हमें कौन कौन से कॉलेजेस में कैसा चीजें हमें देखने को मिल रही है। टोटल फीस स्ट्रक्चर भी मेरे ख्याल से मैंने आपको समझा दिया होगा। कुछ एक्स्ट्रा फीस आपको 15-16,000 जो है एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है, विच इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द एडमिशन के ऊपर। आप अगर स्टेट कोटा से जाते हैं तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन 6,38,000 देंगे,
और अगर आप मैनेजमेंट कोटा से जाते हैं तो 22,60,000 पे करेंगे। बट अगर आप मैनेजमेंट कोटा के द्वारा जाते हैं तो जो है आप हमारे से कनेक्ट कीजिए ऑन द स्क्रीन दिए हुए नंबर, हम जितना हो सके आपके लिए पॉसिबल कर सकते हैं। और आप अगर हिंदी नंबर पे कनेक्ट करेंगे तो मोर आपको इन डेप्थ एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। तो JIS MSR वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, और सिंस हमारा JIS ग्रुप के साथ टूड़ा का टोड़ा इंजीनियरिंग डेंटल एज वेल एज मेडिकल के लिए एक MOU साइंड है, तो हम लोग जो है एडमिशंस करवाने में आपकी काफ़ी स्मूथ प्रोसेस में करवा सकते हैं, और अपने ट्रस्ट भी कर सकते हैं बिकॉज आवर ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रली लिस्टेड एज वेल एज वी आर इन दिस फील्ड फॉर लास्ट 1 डिकेड, 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हमारे ऑफिस भी है वहाँ पर, क्या बोलते हैं, सेक्टर 5 में। सो आप इस फील्ड के लिए हमें कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग विच आई थिंक सो एवरी वन शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इफ यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द बेस्ट बी कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस और एनी अदर प्लेस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के सब्सक्राइब। मेरा नाम है विवेक, मैं हूँ IIT खड़गपुर से, और वन ऑफ द बेस्ट मैं कंटेंट्स लाता रहता हूँ, और आपको किन किन कॉलेजेस पर कंटेंट चाहिए वो भी आप मुझे लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।